हमने आलू निकाल दिए चूल्हे से, ये देखिए आलू हो गए, अब इनको खाते हैं। देखिए देखिए कितना बढ़िया हो रहा है इधर। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी शाम के टाइम, अभी टाइमिंग हो रहा है 5 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं धार में। और अभी देखिए आज हम, ये देखिए हमने एक इधर छोटा सा मकान टाइप का, मतलब झोपड़ी झोपड़ी बना के रखी है। ये इन्होंने बना के रखी है, सॉरी ये चड्डा भाई ने। और ये हमारे सीनियर है, ठीक है। तो देखिए कितना प्यारा बना रखा है। और आज का प्रोग्राम हमारा है दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मैक्रोनी धार में। बच्चों लोगों की चॉइस थी कि आज मैक्रोनी खिलाओ, तो इसीलिए आज मैक्रोनी मंगा रखी है। अभी दुकान में भेज रखे छोटे बच्चे, तो मैक्रोनी लेके जा रखे। अभी आधा सामान आ चुका है हमारे, पानी आ चुका है, डेक आ चुका है और थोड़ा सा लकड़ी भी ये लेके आ गए। और हमने आग जला दिया चूल्हे में, आप देख सकते हैं पानी को उबालने के लिए। जैसे मैक्रोनी आती है तो आप सभी को पूरी वीडियो दिखाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते पहले। ये देखिए आज दूसरा है दोस्तों, आज हमने जगह चेंज करी है। ये देखिए देखिए, और ये है हमारा क्रिकेट पिच। यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते थे पहले, अब तो कोई है नहीं तो इसलिए थोड़ा कैंसिल ही हो गया, आजकल उतना है नहीं। ये देखिए इतना इन्होंने कितनी बढ़िया झोपड़ी बना रखी है। देखिए हर तो ये देखिए ये ऐसा ही देख रहे हो आप, इतना प्यारा बना रखा है, इन सब नहीं बना रखा है। ये देखिए ये देखो ये लात मारते थे फिर, ये देखिए ना दोस्तों कितना प्यारा बना रखा है, अपने लिए बना रखा है ऐसे खेलने के लिए दोस्तों। अभी हम बारिश हो जाती तो इसके अंदर बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, 3-4 आदमी आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और यहाँ का नज़ारा देखिए, अभी यहाँ पे सारे के सारे आ रखे। आज हर्षित, आज ये पिथौरागढ़ से आ रखा है, आज ही पहुँचा है, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा था ये भी। तो आज सुबह सुबह ये भी अभी धार में आ गया, जैसे पिथौरागढ़ से आया ये धार में घूमने के लिए आ गया अपने पुराने दोस्तों के साथ। ये देखिए हमने पानी यहाँ पे चूल्हे में आग लगा दी और पानी उबालने रख दिया, पानी गर्म होगा। अभी मैक्रोनी जो आ रही है हमारी दुकान में से आ रही है। ये देखिए लकड़ी और पानी सारे, थाली हाली सारे ले आए। स्टार्ट करते हैं पूरी वीडियो, भी हमारी पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है, ये है दो टावर हमारे, हमारे गाँव की पहचान है। ये भी दो टावर दूर दूर से दिखाई देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है इधर, देखिए तार में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपको पूरा लोकेशन दिखाते हैं ऐसे चारों तरफ का दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ओहो, इधर से तो दोस्तों पूरा दिख नहीं रहा, धुंधी धुंध हो रखी है इस बार। अभी बारिश, आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है, इधर पूरी धुंधी धुंध हो रखी है देखिए। और इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जब भी देखिए ये देखिए इधर सारे बैल हैल चलाने में बिजी हैं। और इधर देखिए इधर क्या बना रहे हैं, देखिए ये नहर बना रहे हैं, नहर जो कि बारिश आ रही है तो पानी यहाँ से निकल जाए। ये देखिए चड्डा है, क्या बनाया, के ये क्यों बनाया तूने, क्यों बनाया बता, हाँ बता आप, ये क्यों बनाया तूने, ये हाँ ये क्यों बना रखा बता, कहाँ से बता तो जरा। अच्छा वहाँ जाएगा सीधा, अच्छा ऐसा है। और तेरा नाम क्या है, है ईशांत बटोला, अच्छा। और तेरे को चड्डा क्यों बोलते सारे, फिर क्या नाम,
सब बोलता है। सब बोलता है? हाँ। क्यों बोलता है? ये बोलता है, बोलता है, बोलता है। और कौन से स्कूल में पढ़ता है तू? तिरका। है? तिरका। कौन सा स्कूल का नाम बता? स्कूल का नाम बता दो। जीपीएस लोहारचूड़ा। है? अच्छा ऐसा है, है? और कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? चार में। चार में पढ़ता है। अच्छा धार में हम क्या बना रहे हैं बता दो। आज धार में क्या बना रहे हैं हम इधर? कितने प्यार है कितने? तू के पत्ते ने तो मैक्रोनी। मैक्रोनी? हाँ। अच्छा और मतलब दो कौन कौन बना रहा है? सब बढ़ाए। सब बढ़ाएंगे? हाँ। अच्छा और तूने ये क्यों बना रखा है छप्पर जैसा? ये जो आएगा है? सब आएंगे। क्या क्या आएगा दोबारा बता दो। जो आएगा। हाँ जो। हाँ जो आएगा। हम। हाँ हम फिर इसका अंदर ले जाएंगे। अच्छा, जाएंगे। अच्छा इसके अंदर बैठ जाएंगे। हाँ। अच्छा देखिए दोस्तों हर्षित ने आज सब चीज बता दिया। मैक्रोनी एक्रोनी लेके आ चुके हैं। देखिए दोस्तों हमारी मैक्रोनी एक्रोनी पहुंच चुकी है। ये देखिए कितने सारे मैक्रोनी मंगा रखे हमने और डेग छोटा पड़ गया। देखते बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। ये देखिए हमने कितने सारी चीजें मंगा रखी है। आलू मंगा रखे हैं, प्याज मंगा रखे हैं, टमाटर मंगा रखे हैं और मैक्रोनी मंगा रखे हैं। आपको पूरी वीडियो दिखा दे दोस्तों, हमारी वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों हमने सब चीज तो मंगा दिया, लास्ट में तेल छूट गया, तेल नहीं मंगा पाए इसलिए तेल के लिए तेल लेने जा रखे हैं। और कढ़ाई भी छोटी छोटी पड़ गई तो, और इसलिए कढ़ाई भी आने वाली है अभी, बड़ी एक बड़ी कढ़ाई आएगी। आप आते नहीं आ पाते पता नहीं, अभी मंगा तो रखा है, नीचे जा रखे हैं दोस्तों मकान पे, तो कढ़ाई आ जाती तो अच्छा रहता। ठीक है दोस्तों और इधर देखिए कारीगर हमारे ये सारे देखने लग गए अपने उसमें। ये हमारे इधर लकड़ी लगने हैरान पड़ गए थे इसलिए दोबारा लकड़ी लेने गए धोनी। और देखिए हर्षित भी इधर घूम के आ गया। अब लकड़ी हो गई बहुत सारी, अब ठीक हो गया। ये धोनी और दोनों के दोनों अपने अड्डे पे बैठ गए, इसीलिए बनाया था इधर। ये देखिए दोनों के दोनों ये चड्डा भी बैठ गया इधर, देख सकते हैं कितना मस्त बना रखा है। ये देखिए कितना बढ़िया लोकेशन है इधर देखिए। और हमारी बड़ी कढ़ाई आ चुकी है, ये देखिए। ये देखिए बड़ी कढ़ाई आ चुकी है, इससे बड़ी देखिए बड़ी बड़ी डेग आ चुकी है। ये देखिए बड़ी इससे बड़ी डेग आ चुकी है, देख सकते हैं। ये छोटी होगी थी इसलिए अभी बड़ी डेग मंगा रखी है। ये देखो आ गई और चाकू भी आ गया हमारा, देख सकते हैं आप। आप पूरी वीडियो बनाते दोस्तों, हमारी वीडियो पे बने रहे दोस्तों। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बटन जरूर दबाना और वीडियो को शेयर जरूर करना। बड़ी बड़े डेक में देखो पानी भर के रख दिया हमने, युवा अंडा से मंगाया। देखे मैक्रोनी गर्म होने के लिए रख दी गर्म पानी में, थोड़ा सा ये गर्म होंगे थोड़ा फूलेंगे। ये देखिए दोस्तों हम थोड़ा पहले प्याज काट लेते हैं। वीडियो बड़ी लॉन्ग हो जाती है। दोस्तों मैक्रोनी जो है उबल चुकी है और इधर हमने छान के रख दिया अलग। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। ये और मार डाला इसको। ये पांड तो लिखे रहे थे मिक्सर में। तो लग रहा है क्या हम लोग।
आई नहीं रहे। अब बुरी तो ये देखो बनाने लगी है अच्छे से। धोनी भाई कारीगर इधर। हमने प्याज मिक्स कर दिया और प्याज को अच्छे ढंग से हिला लेते हैं। देखिए इधर मसाले और नमक वमक डाल दिया। इधर पड़ गए दोस्तों सब्जी मसाले। मसाले भी रेडी हो चुके हमारे और इसमें मैक्रोनी डालते हैं और मैक्रोनी को मिक्स करते हैं। देखिए अच्छे ढंग से हिला लेते हैं उसको। ऐसे ऐसे कर। ये देखिए दोस्तों हमारी मैक्रोनी कितनी मस्त लग रही है। ठीक भाई जो फैट है वो पैक खा दी जल्दी पुश पुश कर। मैं धोनी मामा कौन है आज मामा गाड़ी पर पड़ो वाले। देखिए दोस्तों हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई। ओए इनका आओ आओ ये देखिए दोस्तों हमारी मैक्रोनी तैयार हो चुकी है और सारे बैठ चुके हैं मैक्रोनी खाने के लिए। ये देखिए कितना मस्त व्यूज लग रहा है इधर से। देखिए पार्टी चालू हो चुकी है इधर। देखिए कितने चाव से खा रहे सारे के सारे। कैसा हो रहा धोनी? अरे सारे बोले तो क्या कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। ये देखिए हमारा छोटा मुन्ना चड्डा भाई कैसा हो रहा है? चड्डा अच्छा हो रहा है। ये देखो चलो दोस्तों हमारी वीडियो बने रहे। हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना और वीडियो को शेयर जरूर करना। आप सभी को कैसा लगा हमारी पार्टी आप कमेंट में जरूर बताना। हम भी खा ले थोड़ा फिर। अरे वे इतना सही हो गया है। मजा आ गया। पकड़ दे हर्षित छुप छुप के खा रहा है। देखिए शर्म लग रही है ना। सब ने कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए मैक्रोनी सब ने खा लिया वो चड्डा बचा और खाओ उसको पूरा फटाफट खा। ये देखिए अरे क्यों आप ये देखिए सब ने कंप्लीट कर दिया और चलो हम करो फिर। अब इधर एक बर्तन अर्तन धो रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आलू रखे थे इसमें चूल्हे में ना इसमें चूल्हे में आलू हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको दिखाएंगे। हमारी पूरी वीडियो में बने रहे दोस्तों। और ये देखिए ये आलू को पकाने में लग रखे पूरी बने रहे दोस्तों। अभी आलू खाना दिखाते हैं। देखो हमारे आलू अभी पक रहे हैं चूल्हे में। आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और कितना मस्त लोकेशन है देखिए आप लग रहा ना दोस्तों कितना बढ़िया। घर में तो दोस्तों खाने में कुछ और ही मज़ा है क्या बताएं। घर में उतना मज़ा नहीं है। हमने आलू निकाल दिए चूल्हे से। ये देखिए आलू हो गए। अब इनको खाते हैं। देखिए छिल इसको छिल। ये देखिए ये छिल दिए। ये देखिए दोस्तों हमने छिल लिए। देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं। ये मजा आ गया। ये देखिए कितना बढ़िया हो रहा है इधर।
अरे दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ।